हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पे फिर से स्वागत है। तो आज जो हम रिव्यू कर रहे हैं वो प्री वर्कआउट पे कर रहे हैं, जो कि मसल्स का है, मसल्स कर्ब का कंपनी का है, लिमिटलेस। तो इसके बारे में बताना चाहूँगा। आजकल जिम चल रही है मेरी और फ्रूट पंच फ्लेवर है, तो इस बॉक्स को मैंने जो कि ख़रीदा था 1400 रुपये में, और इसमें ये सब जो भी है सारा कुछ इतना मुझे अच्छा लगा नहीं, क्योंकि इसमें क्या है, जब आप इसको यूज़ करेंगे तो जब आप जिम में इसको यूज़ करके जाएंगे तो जब आप एक्सरसाइज करेंगे तब आपका एनर्जी लेवल काफ़ी हाई रहेगा, लेकिन जैसे जैसे आप नेक्स्ट एक्सरसाइज या लास्ट एक्सरसाइज करोगे तब तक आपकी एनर्जी डाउन हो जाएगी। तो इस प्री वर्कआउट को मत लेना मेरी तरफ से। अगर आप तब भी लेना चाहें तो आपके 1400 रुपये बेकार जाएंगे, टोटल लॉस है इस कंपनी का। लिमिटलेस प्री वर्कआउट लेना, बस यही बताना चाहता था आपको। और इसमें एक ख़राबी और लगी मुझे कि जब मैं इसको खोलता हूँ तो एक मैं दिखाता हूँ आपको। हाँ, तो जब भी मैं इसको ओपन करता हूँ, इसमें से जब भी मैं इसको भर के अपने ग्लास वगैरह में या फिर शेकर वगैरह में डालता हूँ तो एक अजीब सी महक आती है, और उस महक के चक्कर में आपको जुखाम भी हो सकता है और खांसी भी आएगी, आपको छींक वगैरह भी आएगी। ये फ्रूट पंच है, ये इस टाइप का कुछ दिखता है, इसलिए मैं तो नहीं चाहूँगा कि आप इसको यूज़ करें। तो बस यही बताना चाहेंगे आपको कि अच्छा प्री वर्कआउट है। और यहाँ तक है, मैं साइकोटेक यूज़ करता हूँ, साइकोटेक मुझे ठीक लगा इस प्री वर्कआउट के मुकाबले। बाकी अगर आप चाहते हो कि और कोई प्री वर्कआउट मैं आपको बताऊँ अच्छा से अच्छा, तो कमेंट बॉक्स में मैसेज डालें, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा कौन सा प्री वर्कआउट लेना आपके लिए ठीक है। बाकी अगर आप लो तो किसी की सलाह से ही लें प्री वर्कआउट, और ज़्यादा मात्रा में प्री वर्कआउट कभी मत लो। जितना बड़ा स्कूप होता है इसका, जैसे मैंने अभी आपका दिखाया था स्कूप, उस स्कूप का आधा हिस्सा ही लेना होता है। 5 ग्राम का जो स्कूप होता है इसका, उसमें से आधा ही लेना है, 2.5-3 ग्राम लेना ही होता है बस, उससे ज़्यादा नहीं, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी और कोई जानकारी चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।